अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल फेस गेमर्स। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं थीफ सिमुलेटर। तो गाइस इस गेम के बारे में मुझे इतना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मतलब समझ आ गया होगा कि ये थीफ सिमुलेटर है। थीफ मतलब चोर, और हमें घर घर जाके चोरी करनी होगी। मतलब वो जो भी हम सामान मतलब इकट्ठा करेंगे ना चोरी का, उसको हमें किसी मतलब किसी दुकानदार को बेचना होगा और वो हमें उसके बदले पैसे देगा। तो ये हमारा सिस्टम चला जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दें। इस वीडियो एम करते हैं जितने आप चाहो उतना ही कर दो, एक लाइक भी करोगे ना वो भी मेरे लिए बेहतर होगा प्लीज़। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस अपनी प्रोफाइल सेलेक्ट करेंगे, प्रोफाइल नेम भाई मैं अपना नाम डालूँगा। नहीं यार मेरे नाम से मैं चोरियाँ नहीं कर सकता, लेकिन कोई बात नहीं मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने अपना नाम डाल दिया है। हार्ड मोड नहीं खेलना, हार्ड मोड मुझे पता ना बहुत मुश्किल होता है। तो अब हमारी मतलब न्यू प्रोफाइल बन चुकी है, तो देखते हैं आगे का सीन क्या है। तो ऑल राइट गाइस, तो ये यहाँ पे कोई घर है मतलब कोई, और ये शायद से हमारा कैरेक्टर है। ये यहाँ पे घर के अंदर घुस चुका है। बहुत चांदनी रात लगी पड़ी है, बहुत मतलब अच्छी रात है भाई। ऊपर का आप नज़ारा देख सकते हो, आसमान का नज़ारा कौन सा है। और विनी का मतलब कॉल आ रहा है, आंसर दे देते हैं। भाई भी नहीं पता नहीं क्या कर जा रहा है, इससे क्या मसला है यार। Bombardier's paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the challenge. क्या है? Knock over that house for me. The last one. कब से तंग किए जा रहा है विनी, ये पता नहीं क्या नाम है इसका। अबे चोरी तो करने दो, ये क्या है ये मतलब कोई देखना है हमें। और ये जंप है, ये मतलब वो बैटिंग हो, ये हमारा कोई जॉयस्टिक है, और ये हमारी इन्वेंट्री है। तो फाइंड द इक्विप द क्रोबार, एक क्रोबार हमें इक्विप करना है। ये इक्विप कैसे करेंगे क्रोबार, क्रोबार भाई इक्विप कैसे करेंगे। बे भाई तुम क्रोबार में पूरा मेरा टाइम वेस्ट कर दोगे। मैं नहीं कर रहा, मैं कहीं और जा रहा हूँ, हट जाओ। अबे हट जाओ, मुझे चोरी करनी है यार। गाइस कौन सी बात हो गई, अबे मैं जंप कर लूँगा। जंप भी नहीं कर सकते क्या इतनी सी जगह पर। अबे लाना देते ऐसे चोर पर, बच्चे भी इतनी जगह जंप कर रहे थे, तू नहीं कर जा रहा, ये है क्या है इतनी जगह पे जंप नहीं हो रहा ऐसे। गाइस कोई तो है यहाँ पर खिड़की पे, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आंटी नहा रही है क्या। हेलो आंटी, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे घर पे चोरी करने, सबर कर जाओ। ये क्या है गाइस, अबे तेरी भैंस की ना, ये विन कॉट लोड चेक भाई। हमने चेक पॉइंट मतलब यहीं पर ही लोड कर दिया, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर फिर से इसी जगह पर गए तो चोरी हो जाएगी। इसके कॉल मैं नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्या करें गाइस हमारी भी जरूरत है। The Lombardies paid your bail. They're generous men, but they're all about reciprocity, if you get what I mean. Let's see if you're up to the job. Knock over that house for me. The last one. गाइस क्रोबार कैसे, अबे तेरी, मुझे ही नहीं उठाना क्रोबार। वैसे पिछली बार हम यहाँ से गए थे, तो इसी बार भी हम यहीं से ही जाएंगे। वैसे क्रोबार क्यों कैसे करते हैं मुझे पता नहीं।
अगर मतलब इस गेम पे मुझे सीरीज बनानी चाहिए या सिर्फ एक ही गेम प्ले चाहिए आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस पे मुझे सीरीज बनानी चाहिए या फिर नहीं। बस चल ही नहीं रहा बच्चा अभी से। अच्छा केस के हाल ही पता नहीं कौन से, ये चोर है, प्रैक्टिस करने जा रहा है क्या किसी घर पे? सबसे पहले तो बैठ जाएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई मैं देख नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ही बुशेज है। और वो बार उठ जा, शायद अब उठेगा भाई से एक बार ही, मतलब मैं क्या करूं, करो बार उठता ही नहीं है। एक बार में स्किल मतलब लर्न सीख लेते हैं ना, मतलब कैसा चल रहा सब कुछ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मुझे नहीं है जरूरत करो, बाकी भागो यहाँ से सिर्फ तेरी भैंस की टांग। चल अब बेटा तेरे को चलना ही पड़ेगा, अब तेरे को चलना ही पड़ेगा उस घर पे, अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को, मुझे गुस्सा आ रहा है। मम्मी बचा लो, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं नहीं खेल रहा। जिस दीवार से आए उसी दीवार पर चले जाएंगे वापस। इसने भी घर से कसम खाई रखी है कि आज चोरी करके आनी है। ये किसी की कब्र है क्या, मतलब किसी की यार्ड है क्या, मतलब कब्र? गाइस मैं अबे भाई फर्स्ट टाइम तो चढ़ गया था, अब क्यों नहीं चढ़ा? मैं तो पूरी कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करने दूँगा, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। चढ़ गया नहीं चढ़ा। हिस्टोरी को एक्सप्लोर द क्रोबार इज द मेन्यू। गाइस इस क्रोबार से मस्ता क्या है? भाई शायद से क्रोबार से हमें ये वाला तोड़ना है, प्लैंक, मतलब प्लैंक ही तोड़ते ना क्रोबार से। बस कितनी जद्दोजहद के बाद हमें यह के क्रोबार मिला है। अबे मुझे खेल नहीं आती, मुझे मत सिखाओ बेटा। हेलो आंटी, ये आंटी मुझे देख क्यों नहीं सकती, आंटी है क्या? गाय का मोटा भैंसा तो यहीं पर ही बैठा होगा, तो मैं बुशेस से ही मतलब छुप छुप के जाएंगे झाड़ियों से। ताकि ये मोटू मुझे देख ना सके, और ये अब हम सेफ है। अबे hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. गाइस ये बोला मतलब किसी ने फ्लैशलाइट ड्रॉप कर दिया तो तुम जाके वो उठा लो। तो अब हम देखते हैं सीन क्या है। ओके तो ये फ्लैशलाइट ने बहुत सारी हेल्प देगी मतलब चोरी डकैती करने में। वैसे गाइस इस गेम पे मुझे सीरीज बनानी चाहिए या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। लॉक पिक या फिर ग्लास नाइफ। गाइस अब इस मतलब इस विंडो को हमें तोड़ना है, और इसको तोड़ने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम इसको तोड़ सकें। तो अब हम कहाँ से लाएंगे? टूट गई, मुझे पता था क्रोबार से ये टूटेगी। गाइस लाइट भी हमें मतलब ऑफ। अबे विनी तेरे से मस्ता क्या है? Time to redistribute a little wealth. Hey, इस बार हम नीचे बैठ जाते हैं। ओह ये कौन टीपॉट, किसका तू क्या करेगा? कोई आएगा, मैं लाइट ऑन नहीं करने वाला। अबे एक बारी क्रोबार को तो रख दे अपने बैग में।
गाइस अब हम घर के अंदर घुस चुके हैं और ये वॉशिंग मशीन शायद से इसका कमोड भी मैं उठा के लेके जाऊंगा, वो भी नहीं छोड़ूंगा इसका कमोड। अबे शोर हो रहा है गाइस, कोई ना कोई आएगा। गाइस हम बिल्कुल धीरे धीरे कमरे में घुस चुके हैं। ये किचन है ना, और शायद से वो आंटी भी यहीं पर ही थी, वो यहाँ पे यूं खड़ी हुई थी और मैं यहाँ से यूं घुस रहा था। ये अबे ये भाई ये कौन कौन सी चीजें सुन मतलब चोरी कर यार, पैसे पैसे ही ले लो। गाइस बोल रहा है मतलब अब हमारी चोरी हो गई है सक्सेसफुली और यहाँ पे हमें $15 भी मिल चुके हैं, तो अब हम चलते हैं। अरे भाई क्या मतलब है, ब्रेड टोस्ट है जिसमें मतलब ब्रेड गर्म करता है, एक वोट है और एक वो टी पॉट मतलब जिसमें चाय डालते हैं, और बस कुछ $15। चोरी ऐसी थोड़ी ना होती कोई बड़ी चोरी करो, मतलब भाई दो तीन बंदे होते हैं, गन्स होती हैं, मतलब कोई चाकू वाकू आराम से चल के चोरी करते, मज़ा आता। हम अकेले, अबे तू अभी तक ही बैठा हुआ है, तेरी भैंस की टांग। इस कार उस तरफ है, मैं इस तरफ क्या कर जा रहा हूँ। एक तो गाइस इस मोटू ने भी इतना तंग किया, कब से इधर बैठे आ रहा है, उठ ही नहीं रहा यहाँ से, इतनी आधी रात हो गई, बंदा आके सो जाए, सोने का टाइम हो गया इसके। लेकिन मोटू वो शायद इस घर के भी अंदर होंगे, गाइस जाना होगा। ऑल राइट गाइस, तो ये हमारा मतलब दूसरा घर है शायद से, या फिर वही है शायद से, ये वही घर है, उसने देखा तो नहीं। नो गाइस ये कोई दूसरा ही घर है, दरवाज़ा बंद करके जाएंगे ताकि पुलिस को कोई क्लू ना मिले। अगर मतलब हमें यहाँ पे जो चीज़ें मिली है ना, अब वो मतलब हम किसी दुकानदार को बेचेंगे और जिसके बाद वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। वो सामने हमारी कार खड़ी हुई गाइस, तो हम कार में चलते हैं। बैठना इसको, इसको भी तोड़ना है कैसे मतलब मिरर को। अच्छा से अबे हमें किसी और घर में भी अभी चोरी करनी है, तो आई डोंट नो मतलब कौन सा घर है, तो हम आगे का सीन चल के देख लेते हैं एक बारी। ये हाउस नंबर 111 है। ओह यहाँ पे कोई बैठा हुआ है गाइस, अगर मैं धीरे से जाके इसको सर्पी में क्रोबार मार दूँ तो सही रहेगा। इसने देख लिया क्या मुझे, इसके डोर लॉक किया हुआ है। रात को डर लगता है कि चोर और आ जाए तुम्हारे घर पे आके चोरी कर दे। बेटा तू सबर कर रहा तेरी, इसको पीछे से मारूंगा। ये कब से मैं तंग कर जा रहा है, इसको आज मैं नहीं छोड़ने वाला। अबे इसको मार क्यों नहीं सकते यार, ये गलत बात है, मैं नहीं खेलूंगा इस गेम को। मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में भाई, हमें मेरे को मतलब नहीं, मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में। डिटेक्टेड भाई, उन लोगों ने देख लिया, अभी हमें भागना पड़ेगा। उन लोगों ने देख लिया है हमें। अबे तू कार में बैठ रहा क्यों नहीं है पहले, क्यों तो मतलब कार में ऐसे इस तरफ से बैठते हैं, मुझे पता ही नहीं था। अबे तो जब इसको मतलब क्लोज ही करना था तो ओपन क्यों किया। गाइस तो हमने क्रोबार मतलब अपने बैग में रख लिया है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट इनसाइड द कार। शायद से ये किसी और की कार है और हमें इसके मतलब अंदर ही बैठना पड़ेगा, इसके अंदर बैठना है, बेवकूफ चलना नहीं है, और फिर वो हमें कहीं लेके जाएंगे। वे कार में बैठते कैसे हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। गाइस
तो यहाँ पर मैं पूरी कार को धकेल दिया है। इस कार को तो मैं नहीं छोड़ने लगी क्योंकि इस कार ने मुझे गुस्सा दिला दिया है। वाह भाई कितनी अच्छी कार है, तो इसको हम ड्राइव एक बार ही करके देख लेते हैं। बस इस गेम पे मुझे सीरीज बनानी चाहिए या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इस गेम में मैं सीरीज बनाऊँ या फिर नहीं। तो अभी हम कहाँ चलें, चल के कहीं मतलब कहीं देख लेते हैं। यार बहुत अच्छी ड्राइविंग हो रही है, मतलब मज़ा आ रहा है बहुत ड्राइव करने में कार को। अबे मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ कार को, गैला में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इस मतलब गेम पे मैं सीरीज बनाऊँ या फिर नहीं। तो गाइस बता नहीं यार क्या हो गया खुद ब खुद। ओके तो यहाँ पर हम मतलब कुछ चुरा कर आ चुके हैं। न्यू हिंट अवेलेबल। ये विनी के साथ मस्का क्या है? This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. ये मैं सोने के लिए बोला, शायद से यही हमारा घर है। और ये है हमारा कंप्यूटर, कितना अच्छा मतलब सेटअप है। और ये सोफा है, अबे बेड ही नहीं है क्या, सोफा भी सोएगा। तो चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ पे हम सो लेते हैं। ऑल राइट गाइस तो यहाँ पर हम सो कर उठ चुके हैं और यहाँ पे फिर से वेनी का कॉल आ रहा है। There's a few things I need to tell you. ये वाला चेक कंट्रोल कंप्यूटर को। Tools for thieves let you buy new kit online. गाइस ये मतलब क्या बोल रहा है, स्टेल यू राइटिंग। तो मुझे गाइस इतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा, मतलब ये क्या बोला जा रहा है। अरे कंप्यूटर भी बैठ जा गाइस। तो ये तो मैं पागल करके छोड़ेगा वेनी, वेनी मुझे इतनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ। ये हम बाय नहीं करेंगे, मुझे सेल करना है ये। नहीं भाई भाई लॉक पिक की मतलब हमें ज़रूरत है, इसको हम बाय करेंगे। हाउ सिक्योरिटी टिप्स, पॉसिबल लूट लोकेशन। ओके हाउ सिक्योरिटी टिप्स, हाउ सिक्योरिटी टिप्स। वैसे इसने मुझे क्या करा दिया गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डोर हैव एन ओल्ड लॉक इजी टू पिक। गाइस ये पता नहीं क्या करा जा रहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नो जॉब अवेलेबल, हमें कोई जॉब भी मतलब यहाँ पे हम कोई जॉब भी मतलब ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन ही। जॉब में तो इंटरव्यू दे देंगे और जॉब मिल जाएगी। गाइस किचन के ये जो सामान है इसको हम सेल कर लेते हैं ना, मतलब मिसिंग रिक्वायर्ड आइटम्स, मतलब इसको हम ऑनलाइन ही सेल कर सकते हैं। अगर शायद कार थी ना, शायद से वो हमारी थी या फिर चोरी की थी, मुझे इतना कुछ नहीं पता। क्रोबार तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, मुझे लॉक पिक चाहिए। इजी टू ब्रेक द डैमेज विंडोज। ऑलराइट गाइस तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है, बिल्कुल प्यारी सुबह। घर का दरवाजा चल के बंद कर लेते हैं। देर इज नो वन होम ऑल द टाइम। भाई ऐसा नहीं कि हम चोर हो, हमारे घर पे ही चोरी हो जाए तो ये बहुत ही गलत सीन हो जाएगा ना। ये कार भी शायद से गाइस चोरी की है। कितनी अच्छी लाइट जल रही है, बस ये लाइट बंद ना हो जाए। ऑल राइट गाइस तो ये मतलब बोले कि आप पोन छोपा लेके जाओ और वहाँ पे मतलब हमें सब कुछ मतलब सेल करना है या फिर बाय करना है। तो यहाँ पर हम पोन छोपा ले दुकान आ चुके हैं, दरवाजा बंद कर लेते ताकि कोई हमें देख ना पाए। बिग आइटम्स, ये चोरी के मोबाइल बेचे आ रहा है क्या शॉप ओनर। ये गाइस हमने सेल कर लिया है। It's time for Greenview 109. Get me that TV and don't pawn it off. वैसे बोल रहा है कि वेनी मत, विनी इसका नाम है, मैं कब से वेनी वेनी बोले जा रहा हूँ। बोला मुझे कोई टीवी ला के दो, उसको बेचना मत, वो मुझे ही चाहिए। अबे इसका नौकर है क्या, ये जो भी बोला जा रहा है वो करते जा रहे हैं। वैसे ये क्या है, ये हमारे फ्लैश लाइट और वो आ रहे हैं। इसको हम अपनी इन्वेंट्री में रख लेते हैं। तो
अब हम पता नहीं किसी के घर में आ चुके हैं। वैसे प्यारा मौसम है, मतलब बहुत अच्छी हरियाली है। तो ये किसका घर है गाइस? तो शायद से फिर ही हम इसको रिस्टोर ऑन ऑल टीवी। अबे रुक जा। ऑल राइट, तो चलो गाइस आज की वीडियो इतना ही रखा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो एम करते हैं जितना आप चाहो वही इतना ही एम कर दो। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है मतलब इस गेम पे हम सीरीज़ बनाएं या फिर ना बनाएं। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।